एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन को पीएम का चेहरा घोषित करने की जरूरत नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं उस ब्लॉक के, और उनकी तरफ से ऐसा बयान आता है, क्या कहना है आपका? ये उनकी कवायद है कि किसी तरह से जो इंडिया का घमंडिया गठबंधन है वो बचा रहे। एक अनार सौ बीमार। आप देखते हैं कि पिछले दिनों ममता और अरविंद ने प्रस्ताव किया अगर खड़गे का नाम का, तो जिस तरह से लालू ने उनको गालियां दी, जिस तरह से अखिलेश यादव को कमलनाथ ने क्या कहा, और कमलनाथ वो गठबंधन तो चूचू का मुरब्बा है। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अब स्वाभाविक है कि किस तरह से ये गठबंधन सिद्धांतों का तो है नहीं, स्वार्थों का गठबंधन। सर, लेकिन शरद पवार और ममता बनर्जी तमाम नेता यहाँ पर जुटे हैं, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ये हमारी रणनीति है, क्योंकि खड़गे का जब नाम सामने आया था तब भी यही रुख सामने आया था गठबंधन के नेताओं की ओर से। वो रणनीति बनाते रहेंगे, हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आज आपने देखा कि जिस तरह से केंद्र की योजनाओं को हम मोदी की गारंटी के रथ के साथ 2.5 लाख गाँव में देश के जा रहे हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड हो, 5 लाख की दवा की गारंटी, वो उनसे साझा कर रहे हैं। अगर जो अभी भी पात्र व्यक्ति छूट गए हैं उनको गांव-गांव खुद सरकार और प्रशासन उनके दरवाजे पर पहुंच के केंद्र की योजनाओं में उनको रजिस्ट्रेशन करा रही है, उसको उनका लाभ दिलाने का काम कर रही है। और दूसरी तरफ अभी गठबंधन में न कोई नेता तय हो पा रहा है, न कोई चेहरा तय हो पा रहा है, न कोई उनका कॉमन प्रोग्राम है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से गठबंधन का तीनों राज्यों के चुनाव के बाद बयान लोगों के आए हैं और जिस तरह की बैठक हुई है, वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जगदम्बिका पाल जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हिंदू धर्म को लेकर एक विवादास्पद बात बोली है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, अगर हिंदू होकर के जिस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है और कहा ये कोई धर्म नहीं, धोखा है, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस बयान पे कि उनका निजी बयान कह के पल्ला झाड़ेंगे, या वो पार्टी के समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। अभी रावण भी हिंदू था, लेकिन इसी हिंदू धर्म का उन्होंने अपमान किया होगा। तो आज देश में राम की पूजा होती है, तो लोग रावण को मानते हैं कि वो साधु सन्यासियों के यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालता था। तो आज वही भूमिका अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की है तो इस पर समाजवादी पार्टी को शर्मसार होना चाहिए। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18, इंडिया।